वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 इसके पिछले वीडियो में हो चुका था, जो स्टूडेंट वो नहीं देखे वो देख सकते हैं। और ये कह दें कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे 121 में। यम 20 टाइप के लिए बर्मी का आकार है। ये जो क्वेश्चन है ये एक लड़के कमेंट में पूछे हैं कि सर यम 20 का टाइप करना है तो ड्रिल साइज क्या होगा। तो वो जो कमेंट में क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन को हम क्या किए हैं यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि दिया हुआ है यम 20 टाइप के लिए बर्मी का आकार, बर्मी का मतलब ड्रिल का साइज पूछ रहा है। टैप जो करना है 20 एमएम का टैप करना है तो ड्रिल साइज क्या होगा। इसके पिछले वीडियो में भी ड्रिल साइज के बारे में बताए थे लेकिन कमेंट में क्वेश्चन आया है इसलिए इसको हम फिर से बताते हैं। तो सबसे क्या होता है पहले कि टैप ड्रिल साइज बराबर होता है, टैप ड्रिल साइज बराबर होता है मेजर डाया माइनस पिच। ठीक है, तो एम 20 इसका जो पिच होता है ये होता है 2.5। ठीक है, ऐसे अभी तक क्वेश्चन में तो इतना हाई तक नहीं गया है। एम अभी तक जो क्वेश्चन में आया है एम 16 का आया है, एम 12, ज़्यादातर एम 10 आता है। ठीक है, तो एम 16 की बात की जाए तो इसका होगा 14.16। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो टैप ड्रिल साइज होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच। मेजर डायमीटर कितना है ये और पिच है 2.5। जनरली ये जो है ये जनरली होता है, एक फार्मूला जो हम बताए थे कि होता है टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 2 × 0.61 × पिच। तो ये जो फार्मूला बताए थे पूरा फाइन थ्रेड काटना है उसके लिए हुआ है, लेकिन जनरली जो होता है ये होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच डायमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि ये हो गया मेरा मेजर डायमीटर और ये मेरा पिच हो गया, तो 20 में इसको हम घटा देंगे तो आ जाएगा 0.5। यहाँ बचेगा कितना 17.5। इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 17.5 है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो कमेंट में ये क्वेश्चन भेजे हैं उनको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इस पे इस नथी पे चैनल पे डीआरडीओ के लिए बहुत जल्दी क्लास शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। मृदु इस्पात के वर्कपीस में 12 एमएम का ड्रिल करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होगी जबकि ड्रिल 350 आरपीएम पर घूम रहा हो। क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि माइल्ड स्टील का वर्कपीस है, ड्रिल साइज दिया हुआ है, ड्रिल कितना करना है 12 एमएम का ड्रिल करना है और ड्रिल का आरपीएम भी दिया हुआ है कितना आरपीएम पर चल रही है, तो कटिंग स्पीड पूछ रहा है कटिंग स्पीड क्या है। तो ड्रिल की कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन वाई 1000। ठीक है, पाई जो है पाई का मान देना है, डी जो हुआ ड्रिल साइज हुआ और एन जो हुआ उसका आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि डी कितना है, तो डी कितना है 12 और एन कितना है 350। तो पाई का मान हो गया 22/7, ड्रिल का डायमीटर 12 दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है 350 / 1000। ठीक है,
ये जीरो कट गया, 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60, 60 से इसमें गुना करेंगे तो 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 = 13, 2 × 100 = 0, एक जीरो बचा हुआ है, एक अंक बाद दशमलव देंगे, 13.2 मीटर प्रति मिनट आंसर, ठीक है। ऑप्शन है 12 मीटर प्रति मिनट, 13.2 मीटर प्रति मिनट, तो बी हो जाएगा। 123 है क्वेश्चन नंबर, ट्रेमलर गियर सेट में गियरों की संख्या है, तो ट्रेमलर गियर की थोड़ा सा बात की जाए तो ट्रेमलर गियर का जो मुख्य उपयोग होता है वो लीड स्क्रू और कैरेज की रोटेशन की दिशा बदलने के लिए या फीट की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। तो इस सेट में जो कहता है गियर होते हैं, ट्रेमलर गियर में क्या होता है, एक सेट गियर का एक सेट होता है, तो उस सेट में गियर की संख्या क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 3 गियर, ऑप्शन बी 4 गियर, ऑप्शन सी 5 गियर, ऑप्शन डी 6 गियर। तो ट्रेमलर गियर में जो होता है 3 गियर होता है, 123 के ए, ठीक है। और एक मिनट थोड़ा सा ये बता देते हैं कि जो CTI का एग्जाम देने वाले हैं, तो CTI का एग्जाम देने वाले हैं तो अगर उनका फीटर ट्रेड है, कौन सा ट्रेड है, फीटर ट्रेड है, तो पहला लिस्ट में उनको क्या 80 प्लस लाना होगा पहला लिस्ट के लिए। अगर नज़दीक में लेना चाहते हैं कोलकाता कानपुर तो 80 प्लस इसके पिछले बार गया है, और अगर मशीनिस्ट हैं तो पिछले बार भी कोलकाता का कट ऑफ जो गया है 80 प्लस गया है, ठीक है। ऐसे इसमें फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकेंड लिस्ट भी निकलेगा जिसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, तो उस हिसाब से क्या करना है कि तैयारी करना है, अधिक मार्क्स लाना है ताकि नज़दीक कॉलेज मिल सके। और CTI से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 124, निम्न में कौन सा पार्ट लेथ मशीन का नहीं है, लेथ मशीन का कौन मशीन का रहा है, लेथ मशीन, तो ए है, ऑप्शन ए है लीड स्क्रू, फीड रड, सी कैरेज, डी नेम। तो लीड स्क्रू भी लेथ का पार्ट है, फीड रड भी है, सी कैरेज भी है, नी नहीं है, क्योंकि नी जो होता है मिलिंग में होता है, तो इसका 124 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक अनियमित आकार के वर्कपीस को लेथ पर टर्न करना है, किस उपसाधन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि लेथ मशीन पर एक वर्कपीस को क्या करना है कि टर्न करना है। आकार जो है वर्कपीस का आकार कैसा है, अनियमित है, तो उसके लिए हम किस उपसाधन का प्रयोग करेंगे, मतलब जो वर्कपीस को हम होल्ड करेंगे वो किस में होल्ड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ये देखते हैं, 3 जचक, बी फेस प्लेट, सी 2 जचक, डी ड्राइविंग प्लेट। तो 3 जचक जो होता है वो तो छोटे राउंड जॉब के लिए मास प्रोडक्शन में किया जाता है, बी फेस प्लेट। तो अनियमित आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि फेस प्लेट का उपयोग करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फेस प्लेट कभी कभी क्या करता है कि वहाँ पे फेस प्लेट नहीं देके 4 जचक दिया रहता है, तो उसका आंसर 4 जचक, अगर फेस प्लेट नहीं होगा नहीं रहेगा तो 4 जचक रहेगा वो इसका आंसर होगा, 125 का आंसर भी फेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 126 है, मोर्स टेपर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक टेपर है, मोर्स टेपर निम्नलिखित संख्याओं में पाया जाता है, मोर्स टेपर तो अंतर में पाया जाता है, ठीक है। ए है 0 से 7, 0 से 8, 0 से 1 से 7, 1 से 8। तो मोर्स टेपर जो होता है वो कितना नंबर में पाया जाता है, 8 नंबर में, ठीक है, 8 नंबर में पाया जाता है। उसकी रेंज की बात की जाए तो वो 0 से 7, 0 से 7 में पाया जाता है, तो 126 का आंसर हो जाता है ए, 0 से 7। 127 है, स्टेलाइट टूल निम्न में से किस तापमान तक अपनी कठोरता बनाए रखती है, कौन सा टूल है, स्टेलाइट टूल। क्या है कि सब टूल का अलग अलग तापमान हो, तापमान पर अपना कठोरता मतलब बनाए रखने का क्षमता होता है, टूल पूछ रहा है स्टेलाइट टूल। तो ऑप्शन ए है 600 डिग्री सेंटीग्रेड,
ऑप्शन बी 830, ऑप्शन सी 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले 600 का बात की जाए तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है हाई स्पीड स्टील का, 830 होता है ये स्टेलाइट का होता है, तो 127 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 128 है, यदि जॉब का व्यास 14 mm हो और वह 500 आरपीएम पर घूम रहा हो तो कटिंग स्पीड क्या है। जॉब का व्यास दिया हुआ है, उसमें क्या था कि ड्रिल साइज दिया हुआ था, ये जॉब का व्यास है, कटिंग लेथ मशीन पर ये क्या कर रहा है, जॉब घूम रहा है, ठीक है। व्यास 14 mm हो और आरपीएम कितना 500, तो कटिंग स्पीड क्या है। कटिंग स्पीड बराबर इसका भी सेम होता है, कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब इसका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14 और आरपीएम डी एन दिया हुआ है 500, तो पाई का मान बैठाते हैं 22/7, डी कितना दिया हुआ था 14, आरपीएम 500/1000, 2 0 2 0 कट गया, 5 × 10 7 × 14 7 कट गया, कितना बच गया 22 मीटर पर मिनट, इसका क्या हुआ कटिंग स्पीड। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 21 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 23 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 22 मीटर प्रति मिनट, 128 के सी। 129 है, एच एस टूल द्वारा 30 मीटर प्रति मिनट के कटिंग स्पीड पर 60 mm व्यास के जॉब के प्लेन टर्निंग करने के लिए आरपीएम कितना होगा। कौन सा टूल है, एच एस टूल, हाई स्पीड स्टील टूल है। यहाँ पे क्या किया कि कटिंग स्पीड दे दिया है, इस क्वेश्चन में क्या था कि कटिंग स्पीड पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में कटिंग स्पीड दिया हुआ है, आरपीएम पूछ रहा है यानी एन पूछ रहा है, तो क्या क्या दिया हुआ है, कटिंग स्पीड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आरपीएम। आरपीएम बराबर क्या होता है, आरपीएम बराबर कटिंग स्पीड गुने 1000 बाई पाई इंटू डी, ठीक है। देखिए यहाँ क्या था कि ये कटिंग स्पीड था, तो अभी एन पूछ रहा है, तो 163 गुना किए, यहाँ गया कटिंग स्पीड गुने 1000 और इधर गुना में था, ये दोनों भाग में आ गया, ठीक है। कटिंग स्पीड इस क्वेश्चन में कितना था 30, कटिंग स्पीड था 1000, पाई का मान 22/7 होता है, 7 दो यहाँ ऊपर चला जाएगा, और डी डी इसका कितना है 60 है, तो इसे काटते हैं 30 × 60, इसके बाद 5 × 10 11 × 22 2 से 25 × 50, तो 25 × 25 = 125 × 75 से भाग दें तो कितना आएगा 1750/11, ठीक है। 11 से जब इसको भाग देंगे तो 11 आया, यहाँ बच गया कितना 6, तो 11 × 5 = 55 और 5 बच गया, 11 × 5 = 55 10 बचा 99.09, भाग दीजिएगा कितना आएगा 159.09, ठीक है। लेकिन यही रखना है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 159 आरपीएम, सी 170 आरपीएम, बी 200 आरपीएम, क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 130 है, कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय निम्न में से किस प्रकार के चिप्स निकलते हैं। ऑप्शन ए वृत्तखंडीय चिप्स, बी लंबे कर्ली चिप्स, सी घुंघराले चिप्स, डी स्पाइरल चिप्स। तो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन क्या होता है कि एक ब्रिटल मटेरियल है,
तो ब्रिटल मटेरियल के चलते इसका चिप्स जो होता है पूरा टूटते हुए निकलता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, मृदखंडीय चिप्स। ऑपरेंट्स इस चैनल पे सीटीआई के लिए मैथ का भी क्वेश्चन लोड है, वो भी आप देख सकते हैं। और 31 मई को टेस्ट रखा गया है, उस टेस्ट में भी आप शामिल होइए, उसमें जो टॉप होंगे उसको प्राइज मिलेगा, इसलिए उसमें शामिल होइए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।